ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर जिले में जहां एक तरफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं अब अपराध करने वाले अपराधियों के शामत के रूप में भोजपुर जिले के पुलिस कप्तान राकेश दुबे ने आज से चीता मोबाइल का गठन कर दिया। जिले में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए भोजपुर के राकेश दुबे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाकर सलाखों को पीछे भेजने में लगे हैं। कभी शराब पार्टी पर छापा तो कभी बार गर्ल के डांस पर छापा और कभी हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भोजपुर एसपी राकेश दुबे ने जिले के लिए चीता मोबाइल का गठन किया। इस चीता मोबाइल में 10 बाइक पर 2,000 जवान और पुलिस अधिकारी होंगे जो जिले के हर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और साथ ही 2 PCR वैन का भी शुभारंभ किया गया जो जिले के हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके। चीता मोबाइल के गठन के बाद इनकी निगरानी भोजपुर SP स्वयं करेंगे। पहला काम तो अभी लॉकडाउन का अनुपालन करेगा, दूसरा जो है जितने भी संदिग्ध लोगों हैं उनका जांच करेगा, कहीं भी कोई सूचना मिल रही है तो तुरंत कार्रवाई करेगा। और वैसे गली मोहल्ले में जो लोग जाएंगे जहां पर कुछ कुछ सूचना मिलते रहती है उन सारी जगहों पर चेकिंग करेगा। इसमें अभी 20 कॉन्स्टेबल मोटरसाइकिल पर और साथ साथ जो हमारी अर्टिगा गाड़ी है वो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई है, उसमें भी चार, एक गाड़ी में 4 कांस्टेबल और 1 ऑफिसर। अच्छा सर, इसमें जैसे कि कितने गाड़ी हैं, मोटरसाइकिल कितने हैं? 10 मोटरसाइकिल हैं और 2 जो अर्टिगा गाड़ी है वो है जो हाईवे में पेट्रोलिंग करेगी। और यहाँ पर ये भी सूचना मिलती है कुछ लफुआ लोग चाहे जिसको कि संदिग्ध लोग जो हैं वो सारे गली मोहल्लों में रहते हैं, जिससे कुछ वहाँ के मोहल्ला वाले भी परेशान रहते हैं, इस टाइप की सूचना आती है तो उन सब जगहों पर जाकर त्वरित कार्रवाई करेंगे। इनके लिए सर कोई नंबर भी जारी किया गया है? नंबर तो इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कार्यालय कंट्रोल रहेंगे हमारे यहाँ DSP को जैसे